अब मैं निवेदन करता हूं हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री शिवराज सिंह चौहान जी से, जिनको सुनने के लिए हम सब उत्सुक हैं, आज के कार्यक्रम पर अपने विचार। भारत माता की जय। ये चंडीगढ़ है, मैया चंडी का घर। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष, और शायद और किसी प्रदेश में इतने लंबे समय तक कोई अध्यक्ष नहीं रहा होगा, लंबाई भी जबरदस्त। आदरणीय श्री संजय टंडन जी, अभी जिनका हम भाषण सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेता, उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी और विशेषकर वाराणसी को देखने वाले, तो आप इससे महत्व समझ सकते हैं। हमारे नेता आदरणीय सुनील ओझा जी, हमारे प्रांत के संगठन मंत्री, संगठन के कुशल शिल्पी आदरणीय दिनेश कुमार जी, पूर्व सांसद, वरिष्ठ नेता, और संस्थीय ज्ञान हो या अदालत से संबंधित, उनसे जानकार बहुत कम है, संसद में हम साथ रहे हैं, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय सतपाल जैन जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष, वरिष्ठ नेता आदरणीय रघुवीर लाल अरोड़ा जी, प्रदेश के महामंत्री आदरणीय चंद्रशेखर जी, आदरणीय प्रेम कौशिक जी, यहां उपस्थित सभी आदरणीय वरिष्ठगण, कार्यकर्ता बहनों और भाइयों और भांजे और भांजियों, एक छोटा सा भांजा वहां बैठा हुआ है, पराक्रम, नाम भी मैंने पता कर लिया, पराक्रम है। आज का दिन बड़ा शुभ दिन है। अभी सुनील जी बता रहे थे, पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म हुआ, अटल जी आज ही इस धरती पर जन्मे थे, क्रिसमस का त्योहार भी है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, तुलसी पूजन भी आज ही है। पंडित मदन मोहन मालवीय हो या श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी, ये भारत माता के ऐसे पुत्र है जिन पर सदियों गर्व करती रहेगी। अटल जी से हम सबका गहरा रिश्ता था, मैं छोटा था, अटल जी की सभा का अनाउंस होता था भोपाल में, और चार बत्ती चौराहे पे बुधवार में हम बड़े चाव से उनको सुनने जाते थे। वो बोलते थे तो बोलते नहीं थे, कविता झरती थी जैसे। अब अभी बता रहे तो सुनील जी जैसा वर्णन भारत माता का उनने किया है, और कोई कर सकता है क्या? मैं उन्हीं शब्दों को एक बार फिर दोहरा रहा हूं, ये देश हमारे लिए जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, हिमालय इसका मस्तिष्क है, गौरी शंकर इसकी शिखा है, पंजाब और बंगाल इसके दो विशाल बाहु है, दिल्ली दिल है, विंध्याचल कटी है, नर्मदा कर्दनी है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जिसकी दो विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी जिसके चरण है, सागर इसके चरण पखारता है, सूरज और चंद्रमा इसकी आरती उतारते हैं, ये वीरों की भूमि है, शूरों की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, महर्षियों की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, यहाँ का कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है, यहाँ का बिंदु बिंदु हमारे लिए गंगा जल है, यहाँ का बच्चा बच्चा हमें प्यारा है, और यहाँ का जन जन हमें दुलारा है, हम जिएंगे तो इसके लिए, और अगर कभी मरना पड़े तो मरेंगे भी इसके लिए, और मरने के बाद अगर हमारी राख भी गंगा जी में डाल दी गई
तो वहां से भी एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऐसे अटल जी, उनका इतना विशाल व्यक्तित्व है, भारत की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हाथ, दिलों पर राज करने वाले, भारत के मुकुट मणि, ऐसे अजात शत्रु नेता कि संसद में जब बोलते थे तो पिन ड्रॉप साइलेंस रहता था, और अगर कोई बोलते भी थे तो कहते थे अटल जी तो अच्छे हैं लेकिन पार्टी बुरी है। तो अटल जी कहते थे अच्छे अटल का तुम क्या करने वाले हो। मैं विदिशा से सांसद रहा 5 बार और विदिशा से अटल जी भी रहे। अटल जी 2 जगह से लड़े 91 में, लखनऊ और विदिशा, और उन्हें कहा कि जहां से ज्यादा वोट से जीतूंगा वो सीट अपने पास रखूंगा। जोर विदिशा वालों ने भी लगाया लेकिन लखनऊ वाले 5-7 हजार वोट आगे निकल गए। लखपति दोनों ने बनाया, हमका विदिशा रख लो अटल जी, बोले नहीं जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, अब तो लखनऊ मुझे जाना पड़ेगा। अब विदिशा खाली हो गई, खाली सीट से हम लड़े। और मैं उनके एक विशाल व्यक्तित्व का एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। मैं विदिशा से जीता, मैं जब भी जाता था वो कहते थे आओ विदिशा पति, शिवराज नाम से नहीं पुकारते। और वो कितने बड़े थे इसका एक छोटा सा उदाहरण। हम पहली बार सांसद बने, पैंट शर्ट पहनते थे, थोड़े दुबले पतले भी थे, पैंट शर्ट पहन के एक बार संसद में घुस रहे थे तो हमको पहरेदारों ने रोक दिया, ये कहां जा रहे हैं। अरे हमका हम भी सांसद हो गए। बोले दिखाओ आई कार्ड। जब आई कार्ड दिखाया तब भरोसा हुआ। अब नए नए सांसद बने और हमारी क्षेत्र में एक गांव आता है गंज वासोदा शहर, वह एक ट्रेन का स्टाफ बंद हो गया पंजाब मेल का। अब एक ट्रेन का स्टाफ पहले और रुक जाए तो वहां के लिए तो बड़ी समस्या होती है, जनता पीछे पड़ गई कि सांसद बने रुकवाओ ट्रेन। अब हमने कोशिश की, जाफर शरीफ साहब उस समय रेल मंत्री थे, कई बार गए हमारी सुनी नहीं। अब मैंने सोचा करूं क्या, ट्रेन रुक नहीं रही, एक रास्ता है आंदोलन करके रोक लो। फिर तभी याद आया यार अटल जी अपन से पहले विदिशा से रहे तो ड्यूटी तो उनकी भी है, चलो एक बार अटल जी को ट्राई करते हैं कि साहब ट्रेन रुकवा। संसद चल रही थी, हम संसद भवन के उनके कमरे में गए, अटल जी ने देखा और कहा आओ विदिशापति। मैंने कहा विदिशापति कहने से काम नहीं चलेगा भाई साहब। बोले आज तो तेवर तीखे दिख रहे हैं। मैंने कहा मेरी ट्रेन अच्छी खासी रुक रही थी, बंद हो गई, आप वो ट्रेन रुकवाओ। तो मैंने सोचा अटल जी फोन करेंगे या वो कहेंगे ठीक है देखता हूं बात करता हूं। अटल जी ने फोन करवाया कि जाफर शरीफ साहब हैं कि नहीं। जाफर शरीफ संसद भवन के अपने कमरे में थे। अटल जी ने मुझसे कहा चलो शिवराज। मैंने कहा बोले जाफर शरीफ के पास। मुझे लेके पैदल वो जाफर शरीफ के कमरे में गए। जाफर शरीफ साहब तो उछल के खड़े हो गए, अटल जी आए। अटल जी कैसे आए, बोले पंजाब मेल रुकती थी बासोदा में, वो नहीं रुक रही, ट्रेन रुकवाना है। बोले अटल जी वहीं से फोन कर देते। बोले नहीं काम जरूरी था इसलिए मैं खुद आया और तत्काल ट्रेन का स्टार्ट। ये घटना मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि अटल जी बहुत बड़े नेता थे, मैं पहली बार का सांसद, वो कह सकते थे देख लूंगा, वो फोन भी कर सकते थे, लेकिन उनको लगा कि नहीं मैं विदिशा से रहा हूं और विदिशा का मेरे बाद सांसद आया है, उसका काम अधूरा नहीं रहने दूंगा और जनता को का जो प्यार मिला उसका बदला चुकाऊंगा, छोटा काम लेकिन करके दूंगा। ये महान नेता के गुण होते हैं। बहन और भाई बात समय नहीं है कि मैं विस्तार से अटल जी के सारे व्यक्तित्व पर प्रकाश डालूं, लेकिन ऐसा फक्कड़ और अलमस्त स्वभाव। मेरी एक बार ड्यूटी लगी भोपाल में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, बैठक में मेरी, मैं युवा मोर्चे का कार्यकर्ता था। बोले अटल जी की चाय पानी की व्यवस्था आपको करनी है। उनका ठीक है मैं करूंगा। दोपहर को 3-1 बजे हम अंगूर सेब संतरा जितने फल हो सकते थे वो लेके पहुंच गए। अटल जी ने देखा क्या है, महंगा सर फ्रूट है। अरे यार क्या फल घास फूस ले आए,
कचौड़ी लाते, समोसे लाते, पकौड़े लाते, पापड़े लाते, फिर हमने नमकीन की व्यवस्था की, दौड़ डाल के हर बात में ऐसी आनंद और मस्ती के मिलने वाले को मजा आ जाता है। और देश के लिए जो किया है वो आप सब जानते हैं, उनके चरणों में हम श्रद्धा सहित नमन करते हैं। और सचमुच में पीछे जो कविता लिखी अटल जी की, माना कि अंधेरा घना है लेकिन दिया जलाना कहां मना है, आज भी ऐसा अंधेरा पैदा करने की प्रतिपक्ष ने कोशिश की है, भारत में एक बार फिर से आग लगाने की कोशिश की है। सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, ममता बनर्जी हो, आप हो, दूसरी पार्टियां, लेफ्ट पार्टियां हो, पूरे देश को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। सीएए को हल्ला बना दिया है, आखिर इसकी पृष्ठभूमि क्या है? मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, पंजाब ने, चंडीगढ़ ने उस दर्द को सहन किया है, भुगता है। देश का विभाजन आखिर क्यों हुआ? मोहम्मद अली जिन्ना ने एक ही बात कही, द्विराष्ट्रवाद, मुसलमान भारत के साथ नहीं रहेंगे। धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ, भारत माता के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। ये द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत क्या था? पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, कई बार तकलीफ होती देखते हुए। हमारा महान भारत, हजारों साल पुराना इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारे जीवन मूल्य, हमारे महापुरुष सब बांट दिए गए। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन विभाजन के समय कितनी यातनाएं भोगी, भीषण मारकाट हुई, खून की नदियां बहाई गई, लाशों से पट्टी ट्रेन का पंजाब गवाह है, मार मार के काट काट के भेज देते, एक नहीं लाखों लाशें बिछा दी गई, 10 लाख लोग मारे गए, लहू लुहान हो गई हमारी धरती, देश बट गया, जो आना था आ गए, लेकिन नेहरू लियाकत समझौता हुआ। और समझौते में एक बात कही गई थी कि दोनों देशों में, भारत में और पाकिस्तान में, जो अल्पसंख्यक है, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक थे हिंदू सिख क्योंकि कम बचे थे, पारसी जैन बौद्ध क्रिश्चियन भी थोड़े बहुत थे, ये वचन दिया गया नेहरू लियाकत समझौते में कि हम अपने अपने देशों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करेंगे। भारत ने वचन निभाया, वादा पूरा किया, सर्वधर्म संभाव हमारा मूल मंत्र रहा, हम धर्म के आधार पर किसी से भेद नहीं करेंगे। और ये धरती है जिस धरती पर हमारे मुस्लिम भाई राष्ट्रपति के पदों तक पहुंचे, ये भारत, हमने कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान में क्या हुआ, मैं अपने कार्यकर्ता बहनों और भाइयों को बताना चाहता हूं, 23% अल्पसंख्यक थे उस समय जब देश का विभाजन हुआ था पाकिस्तान में, लेकिन 23% से घटते घटते 2011 की जनगणना में रह गए 3%, और अब तो कहते 2% भी मुश्किल से बचे हैं, बाकी कहां गए, या तो मार दिए गए, या धर्मांतरण करा लिया गया, या वहां से भगाए गए, कई जिल्लत की जिंदगी जीने पर विवश और मजबूर हुए। हमारा कलेजा फट जाता है जब हम सुनते हैं जबरन बेटी उठा ली गई, अपहरण कर लिया गया, निकाह करवा दिया गया, धर्म परिवर्तन कर दिया गया, और मजबूर हुई है बोलने पे वीडियो में, टीवी में, कम मर्जी से ये कर रहे हैं, और बात नहीं मानी तो कत्ल कर दी गई। एक नहीं, कितनी घटना रोज सुनते हैं कि हमारे रोंगटे खड़े नहीं होते, क्या हमारा कलेजा नहीं फटता, क्या हमारे मन में तकलीफ और दर्द नहीं होते? मेरे बहनों और भाइयों, कहां जाएंगे, वो कोई बताए तो कहां जाएंगे, भाग भाग के जब मौका मिला आ गए भारत।
कोई धार्मिक बीजा पे आ गया, कोई लंबी अवधि का बीजा लेके आ गया, और आ गया तो फिर उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो वापस जाए। मैं मुख्यमंत्री रहा हूं मध्य प्रदेश का 3 बार। एक बार मैं इंदौर गया, इंदौर में 80 लोगों का ग्रुप आया जिसमें बेटियां भी थी, महने भी थी, भाई भी थी, छोटी छोटी बेटियां मुझसे आके लिपट गई कि मध्य प्रदेश के तो मामा कहलाते हो, हमारे भी तो मामा हो। मैंने कहा बात क्या है बेटियों? बोले हम सिंध से आए पाकिस्तान के, मामा मार डालो यहीं इंदौर में, मर जाएंगे उस नरक में, किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे, मर जाएंगे हम नहीं जा। बहनों की आंखों से आंसू टपक रहे, और हमने जो वर्णन किया, संपत्तियां जला दी गई, घरों में आग लगा दी गई, लूट लिए गए लोग, रैप किया, बलात्कार किया, अमानवीयता की हद होती है। हम तो दुनिया से पूछना चाहते हैं, मानवाधिकारवादियों बड़ी बड़ी बातें करते हो, जरा सी भी कोई घटना हो जाए तुमको पाकिस्तान में जो अन्याय होता वो दिखाई नहीं देता, कहां जाएंगे आखिर वो लोग? मैडम सोनिया गांधी, हम तुमसे भी जवाब मांगते हैं, वाय भारत में रह रहे हैं, एक नहीं अनेकों वर्षों से रह रहे हैं, दिल्ली के मजनू के टीले पे जाकर देख लीजिए, मेरे इंदौर में देखिए, मेरे भोपाल में देखिए, जबलपुर में देखिए, देश भर के शहरों में जहां तहां नारकी जीवन विचार बिता रहे हैं, पड़े हुए हैं। उनका अपराध क्या है? उनका दोष क्या है? उनका अपराध केवल यह कि वो हिंदू है, वो सिख है। इनका अपराध केवल यही है कि वो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक है, वो बहुसंख्यकों का धर्म नहीं मानते। केस के आधार पर भेदभाव किया जाएगा, केस के आधार पर आग लगाई जाएगी, केस के आधार पर खून खराबा किया जाएगा। महात्मा गांधी ने कहा था उस समय देश के विभाजन के तत्काल बाद, तो 1947 में जो हिंदू और सिख भारत आना चाहे, पाकिस्तान में नहीं रहना चाहे, वो आ सकते हैं, और ये भारत सरकार की जवाबदारी है कि उनके माल जान और सम्मान की रक्षा करें और उनको नौकरी और रोजगार का प्रबंध करें। ये हमने नहीं कहा, ये महात्मा गांधी ने उस समय कहा था। जो महात्मा गांधी ने कहा, उनके दर्द को अगर किसी ने समझा तो कहते हुए गर्व होता है, वो नेता है श्रीमान नरेंद्र मोदी। भारतीय जनता पार्टी ने इस दर्द को समझा और इसलिए हमने फैसला किया कहां जाएंगे ये लोग। चोरी छुपे नहीं किया, हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा घुसपैठियों और शरणार्थियों में अंतर है, वो मजबूरी के कारण आए, उनकी जान सुरक्षित नहीं है, उनकी इज्जत सुरक्षित नहीं है, उनका सम्मान सुरक्षित नहीं है, दुनिया में कौन सा देश है जो उन्हें शरण देगा, और इसलिए भारत उनको शरण दे रहा है। और ये वो भारत है जब जब दुनिया के किसी हिस्से पर, किसी जाति पर ऐसे संकट आए तो हमने दोनों बाहें फैला के, चाहे पारसी भाई बहन हो और चाहे तिब्बत से आए हमारे भाई बहनों, इस भारत ने हमेशा स्वागत किया है। हमने चीन की दादागिरी की परवाह नहीं की, दलाई लामा जी आए, आज भी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बत की अंतरिम सरकार चल रही है। ये भारत की धरती है, जो मुसीबत जब मानवता होती है तो उसके साथ खड़ी होती है, उसके साथ खड़ी होती है, और यहां हाय तो वह मचाई जा रही है। इस कानून में है क्या? केवल यही बात सार रूप में, मूल रूप से, कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में जिन बहनों और भाइयों के साथ धार्मिक प्रताड़ना हुई है, जो अल्पसंख्यक है, वहां 6 समुदाय, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ईसाई, और वो जो 2014 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आके यहां रह रहे हैं, उनको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। कौन सा आसमान फट गया? क्यों त्राही त्राही मचा के रखी है? क्यों आसमान सिर पर उठा के रखा है? सोनिया गांधी, जवाब देना पड़ेगा। कभी गई हो उन मजनू के टोले पे, कभी उन बहनों और बेटियों के दर्द को तुमने देखा है? संसद में एक शब्द नहीं बोली, अब मौन, हम वहां मौन रही और यहां धरना दे रही, कोई और बात नहीं है, जितनी भी व्याख्या इसकी कर ले। कैसे लोगों को शरण देना? अपराध और पाप है, गलत सहमियां फैलाई जा रही है। नॉर्थ ईस्ट के जितने राज्य मित्रों, सबको प्रोटेक्शन दिया गया है,
वहां के आदिवासी क्षेत्रों में, अब मणिपुर में भी शामिल किया, मणिपुर को भी शामिल किया गया, उसमें पहले मणिपुर नहीं था। इनर लाइन परमिट की व्यवस्था, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनके जीवन मूल, उनकी परंपराएं, उसको बना के रखा जाएगा और ये पर्याप्त प्रोटेक्शन दिया है। इनर लाइन परमिट वहां भारतवासी भी जाता है उसको लेना पड़ता है और एक निश्चित समय के बाद वापस आना पड़ता है। लेकिन ये हमारे भाई बहन कहां जाए? सचमुच में मोदी जी इन शरणार्थियों के भगवान बन के आए हैं, नव जीवन प्रदान किया है, नई जिंदगी देने का काम किया है और इसी में आग लगाई जा रही है। अरे ये नागरिकता कानून में मेरे मुस्लिम भाइयों को जो गलतफहमी का शिकार बना रहे, कुछ बता तो दे, एक भी शब्द कहा है मुस्लिम बहु मुस्लिम विरोधी? ये नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। लाइन लग जाएगी, डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे, देश के बाहर फेंक देंगे, निकाल देंगे, पता नहीं किस तरह की बातें की जा रही है। मैं कहना चाहता हूं अपने अल्पसंख्यक भाई बहनों से जो यहां हैं, ये भारत है, हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, पंथ के आधार पर कभी इस देश ने कोई भेद नहीं किया। ये धरती वो धरती है जिसने आज नहीं हजारों वर्ष पहले कहा, अयम निजम परावेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू बस दैव कुटुंब कम। ये मेरा ये तेरा ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय जो होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। याद रखो ये वो धरती है जिसने कहा धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, इंसान में सद्भावना नहीं प्राणियों में भी सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, सारे विश्व की कल्याण की कामना करने वाला मेरा भारत। और ये धरती वो धरती जहां के ऋषियों महर्षियों ने आज नहीं हजारों साल पहले उद्घोष किया था, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवे, सब सुखियों, केवल हिंदू नहीं, केवल सिख नहीं, सब सुखियों, सब निरोगो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबके मंगल और कल्याण की कामना करने वाला मेरा भारत। और इस धरती पर जो यहां के हमारे निवासी है, नागरिक है, सबके हित सुरक्षित है। मोदी जी ने उस दिन रामलीला मैदान में कहा, अगर हम भेद करते तो उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन हमने देख देख के दिया कि ये हिंदू है कि ये मुसलमान है, अगर गरीबों के मकान बनाए तो हिंदू और मुसलमान देख के नहीं बनाए, अगर आयुष्मान भारत का कार्ड बना तो कभी हिंदू मुस्लिम सिख देख के नहीं बनाए, जितनी योजना बनी सबके लिए बनी, एक भी योजना से कोई बाहर नहीं है। लेकिन झूठ फैलाने की कोशिश हो रही है, झूठ इसलिए कि मोदी से मुकाबला करने की दम नहीं है, ताकत नहीं है, मैदान में नहीं निपट सकते, इसलिए पीछे से वार करो, आग लगाओ, झूठ फरोसो, हिंसा भड़काओ और आग लगा के अपनी राजनीतिक रोटियां सेको। लेकिन मैडम सोनिया गांधी, ये भारत की जनता है, तुम्हारे झूठ को पहचानेगी, सत्य का सूर्य झूठ के बादलों से मैडम ज्यादा दिन ढका नहीं रह सकता और ये कानून अब हम नीचे लेके जा रहे हैं। ये षडयंत्र किया इन सब ने, पता ही मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए लोग मार्च निकाल रहे हैं, मार्च ममता बनर्जी, अशोक गहलोत, कमलनाथ, आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी निकल पड़े, पंजाब के मुझे नहीं दिखे, बोल रहे हैं, बोल दिया हमने, अरे उनको भी कहना पड़ेगा जो बोले से नहाल सत श्री अकाल। ये कानून वो भी ढंग से समझे, जुलूस लेके निकल रहे हैं, जुलूस लेके शांति मार्च, और ममता बनर्जी तो अजीब हरकत कर रही, सीएए छीछी छीछी छीछी, ऐसे कोई सुना है? राहुल बाबा मोनी बाबा हो गए अंदर। मैं कहता हूं देसी कम है विदेशी ज्यादा है, भारत में रहते ही कम है विदेश में ज्यादा रहते हैं, वो बोल रहे हैं, प्रियंका जी बोल रही है, लेकिन बोल क्या रहे ये तो बताओ, किसका अहित है इसमें? नहीं बोले वो तो एनआरसी ले आएंगे, एनआरसी ले आएंगे, घुमा के फिरा के डरवाओ डरवाओ धमकाओ। प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा है एनआरसी के बारे में, रामलीला मैदान में कहा है,
सीएनआरसी का कोई संबंध ही नहीं है। अब आज कल एक बात और आ गई, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर। बोले भाजपा वाले बड़े खतरनाक हैं, अब एनपीआर ले आए। अरे एनपीआर भी मोदी जी लाए, मनमोहन भैया लेके आए थे जब वो प्रधानमंत्री थे 2010 में, तब एनपीआर आया जनगणना के साथ। और एनपीआर में क्या है, एनपीआर केवल इसलिए एक ने अनेक योजनाएं कल्याणकारी, उनका लाभ गरीब तक पहुंचाना है, उसके लिए डाटा बेस चाहिए, उसमें और कोई प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। लेकिन एनपीआर नहीं है, वो तो है एनपीआर ले आए। अब वो वही करेंगे, कल ये कहेंगे कि एनपीआर नहीं, अब अभी आधार कार्ड भी नहीं बनवाएंगे भाजपा वाले बड़े बदमाश से। कल कहेंगे नहीं नहीं जनगणना भी नहीं होने देंगे, ये इसमें भी वही करेंगे। तो करेंगे क्या, ये ऐसे भ्रम फैला रहे हैं। और इसलिए आज मैं आपसे कहने आया हूं, मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, हमको इन सब बातों को देश को बताना पड़ेगा। ये परेशान इसी में है कि मोदी से मुकाबला नहीं कर सकते, ये मोदी है। धारा 370 हमारे कार्यकर्ता कहते थे भाई साहब अपन तो वैसे वैसे लिख देते, ये धारा 370 कभी खत्म थोड़ी होगी। ये अपने कार्यकर्ता कहते, लोग सोचते थे मुमकिन ही नहीं है, लेकिन मोदी है तो मुमकिन हो गया। एक झटके में धारा 370 हम सोच रहे थे कि 35A का कुछ करेंगे, घुमा के फिरा के थोड़ा बहुत कर देंगे, लेकिन मोदी करते हैं और अमित शाह करते हैं तो थोड़ा बहुत नहीं करते, मुकम्मल करते हैं, पूरा करते हैं। कहते हैं चाणक्य जी के पांव में वो गड़ गया था घास नुकीला, अब वो गड़ गया तो उसको काटना। एक बात थी, चाणक्य जी ने कहा कि नहीं केवल काटेंगे नहीं, जड़ से खोद के और उसमें मट्ठा डालूंगा ताकि फिर से नहीं पनप जाए। मोदी करते हैं तो कंप्लीट करते हैं, पूरी तरह धारा 370 समाप्त, कुछ बचने नहीं दिया। परेशान, धारा 370 खत्म हो गई, ट्रिपल तलाक समाप्त, बहनों के साथ ऐसे अन्याय कहीं देखा है हमने, 3 बार का तलाक 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 और अलग, यह अन्याय था। इस अन्याय को कोई खत्म नहीं कर सकता था। राजीव गांधी जी भी सहवानो प्रकरण में स्वर्गीय राजीव जी विरोध हुआ तो तुरंत संविधान में संशोधन कर दिया, लेकिन मोदी है तो 3 तलाक खत्म। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर, लोग कहते थे बन थोड़ी सकता है, तो वैसे वैसे कहते रहते हैं भाजपा वाले, ये बात सही है, सुप्रीम कोर्ट ने किया, लेकिन मोदी के बिना मुमकिन हो सकता था? सवाल ही पैदा नहीं होता। और अब ये हो गया CAA, तो इनको लगा है कि मोदी तो मुकम्मल काम कर रहे हैं, ये परमानेंट जम जाएंगे अंगद के पांव की तरह, हटाए नहीं हटेंगे, तो अभी कुछ कर लो, तोड़ फोड़ करवाओ, आग लगवाओ, गलत फहमी फैलाओ। और ये सारे प्रतिपक्षी हमारे इस षड्यंत्र में लगे हैं। मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, बुद्धिजीवी नागरिकों, हमको इस षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देना है, इसलिए हमने भी कमर कस ली है। गांव गांव जाएंगे, अलग जगाएंगे, हर बार में जाएंगे, हर द्वार खटखटाएंगे, जो नहीं समझा उसको भी समझाएंगे। और ये चंडीगढ़ वालों, हर वार्ड में मीटिंग होनी है, समूह की मीटिंग, एक वार्ड में 100, 200, 500 इकट्ठे करो और सीए की सच्चाई बताओ, एनपीआर को भी समझाओ और ये बताओ कांग्रेस आग लगाने का खेल खेल रही है, कांग्रेस हो, आप हो, बाकी दल हो, हमारी मोहल्ला मीटिंग होगी, वार्ड मीटिंग, जो भी नाम दे, रैलियां हो अलग अलग चंडीगढ़ में, जो भी आप प्लान करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है सभी राज्यों में एक बड़ी रैली भी करनी है, क्योंकि इन्हें माहौल बनाया है, गुमराह करके कुछ लोगों को सड़क पर निकाल दो तो माहौल ऐसा बन जाए कि बड़ा विरोध है। अरे समर्थन में ऐसा समुद्र निकाल दें कि दुनिया देखती रह जाए कि ये समर्थन में ऐसा, क्योंकि सब मानते हैं ये ठीक है। इसलिए गोष्ठियां, रैलियां, संवाद, डोर टू डोर कॉन्टैक्ट, घर घर जाना पड़ेगा, ये लड़ाई है, ये अंतिम लड़ाई है, इनको पता है।
कि ये भी हार गए तो फिर कहीं पता नहीं चलेगा, इसलिए झूठ बोल के लड़ो, ये अंतिम खंडक की लड़ाई है। इसलिए डोर टू डोर संपर्क, इसलिए रैलियां, सभाएं, वार्ड में मीटिंग का जो भी कार्यक्रम प्रदेश तय करें वो कार्यक्रम तय करना है, ताकि सारी गलत फहमियां हम दूर कर सके और जो स्थिति जनता के सामने साफ कर सके। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है विरोध ठंडा हो रहा है, तीव्रता खत्म कम हो रही है, अब तो वो ही जिनको सहन नहीं हो रहा रूप बदल बदल के आ जाते हैं। वो ममता जी तो कमाल ही कर रही है, आज इस गली में रह ली, कल उस गली में रह ली, परसों उस गली में रह ली, कलकत्ता की, और कोई काम ही नहीं बचा बहन को, दीदी केवल मार्च कर रही है। और इसलिए हम भी सच्चाई समझाने निकले, मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी और समाज भी, अलग अलग संगठन है, एक नहीं अनेकों सामाजिक संगठन है, अलग अलग तरह के स्वयंसेवी संस्थाएं, सबको आप मैदान में निकालिए, सच्चाई लोगों के सामने लाइए। याद रखिए मेरे बहनों और भाइयों, हम सौभाग्यशाली हैं, हमने अटल जी अडवाणी जी की जोड़ी को काम करते हुए देखा है, उसके पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जोड़ी आपने तो वो भी देखी होगी, हमारी बहन जी बैठी है अटल जी, अरमानी जी बड़े प्यार से कहते थे आज तो पकौड़े खिलाओ हाथ से बना के, दीनदयाल जी को भी देखा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल जी, अडवाणी जी, लोग कहते थे अटल जी अडवाणी जी के बाद नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, भगवान का वरदान, हम लोग सौभाग्यशाली जो इन दोनों में काम कर रहे हैं। बरसों के जो मुद्दे थे जिनके बारे में लोग कहते थे कभी इनका समाधान नहीं हो सकता, उन सब का समाधान हो रहा है, लेकिन इसी के कारण आंखों के कांटे बने हुए हम लोगों के, आंखों की किरकिरी, सपने में भी नरेंद्र मोदी नजर आते हैं, चमक चमक के विपक्षी दल वाले रात में भी आधी रात को उठ जाते हैं, मोदी जी इस्तीफा दो, मोदी जी इस्तीफा दो, और इसलिए आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हमें सफल नहीं होने देना है। आज हम यहां से संकल्प करके उठे कि अपने चंडीगढ़ में सच को उजागर करेंगे, सच्चों का बोलबाला तो उनका मोह जो होना वो ही होगा। मुझे पूरा विश्वास है हमारे सक्षम साथी इस काम को करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बोलिए भारत माता की जय।